पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कुछ दिनों में थाना सिविल लाइन क्षेत्र और कटघर और इधर मझोला में चार पहिए वाहनों की चोरी हुई थी, जिसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। इसमें सीओ सिविल लाइन्स के साथ हम लोगों ने टीम अप किया था लोगों को, हमारे SHO सिविल लाइन्स और उसके बाद SI अनोज कुमार, सतेंद्र मलिक, लोकेंद्र, इन सभी लोगों की टीम ने इस पर गहनता से प्रयास किया और हम लोगों ने कल यानी 1:45 की रात में हम लोगों ने दो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं जो शातिर वाहन चोर हैं चार पहियों का, और इनके पोजीशन से हम लोगों ने 6 गाड़ियां बरामद की हैं, जिसमें से जो गाड़ियां हैं 4 मारुति सुजुकी ब्रेजा है। बेसिकली ये जो गैंग है जिसके 2 सदस्य हम लोगों ने अभी अरेस्ट किए हैं, बाकी इनके 3 सदस्य अभी फरार हैं, हो सकता है और भी मेंबर इसमें हों। इनका बेसिकली बहुत ही एक स्पेशल फोकस होता था ब्रेजा कार पे, ब्रेजर कार लेकर के और उसको डिस्पोज ऑफ करते थे। ये जो पकड़े गए हैं इसमें एक का नाम राजू है जो हरिद्वार का रहने वाला है, और दूसरा सरताज अहमद है जो नौचंदी मेरठ का रहने वाला है। इसके अन्य साथी जो मौके से फरार हो गए हैं उसमें एक बहुत ही शातिर अनिल है जो बुलंदसर का रहने वाला है, उसका एक साथी रिंकू भी बुलंदसर का ही रहने वाला है, और जो थर्ड है वो आशु है जो हरिद्वार का ही रहने वाला है। ये तीनों फरार हो गए हैं, इनके लिए हमारी टीम काम कर रही है। इनके पोजीशन से इन 6 गाड़ियों के अलावे हम लोगों ने कुछ गैजेट्स बरामद किए हैं, कुछ पेपर्स बरामद किए हैं। इस गैंग के मोडस ऑपरेंडी में ये भी होता था कि ये स्पेशल टाइप ऑफ कार्स को लिफ्ट करते थे, और लिफ्ट करने के बाद उसके पूरे सारे जो इंजन चेसिस नंबर था उसको बदल देते थे ताकि कहीं भी ये पकड़ा ना जाए, और फिर इससे निकाले हुए इंजन चेसिस को कहीं और जगह लगा देते थे, और उसके बाद पेपर्स तैयार करके इसको यहाँ से बाहर पूर्वोत्तर राज्यों में भेजा करते थे। तो ये बहुत बड़ा गैंग था, और ये बहुत बड़ा गैंग है भी, अभी इसमें काफ़ी मेम्बर्स अभी एट लार्ज हैं, उनको हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और एक बहुत ही शातिर गैंग चार पहिया वाहन चोरों का हम लोगों ने ये वर्कआउट किया है, इसके लिए SSP साहब की तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की। गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की हैं? देखिए, इसमें एक गाड़ी जो है हमारे यहाँ आसियाना कॉलोनी की है, इसमें 2 गाड़ी दिल्ली से लिफ्ट की गई थी, 1 गाड़ी कबीरनगर से लिफ्ट की गई थी गाजियाबाद, और दूसरी गाड़ी इंदिरापुरम गाड़ियाबाद से लिफ्ट की गई थी। तो इस प्रकार ये गाड़ियाँ अन्य जनपदों की भी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंटर स्टेट गैंग है, इनका जो मेन फोकस है ऑटो लिफ्टिंग के अपराध करने का वो NCR में रहा है। जी।